नमस्कार दोस्तों, निफ्टी वॉच चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि कल बताया था, फिन निफ्टी में एग्जैक्टली वहीं से गिरावट आई और हमने पुट ली 19,700 की। जैसा जैसा मैंने बताया था, यहाँ लिखा हुआ था, देखिए वहाँ लिखा भी था मैंने कल, और ऐसे ही नीचे गिरावट आती चलेगी। और ये भी कहा था कि 10 EMA शायद टूट जाएगा और 19,233 246 एग्जैक्टली जहाँ कहा था वहीं से रिकवरी आई। तो हमें एक शानदार प्रॉफिट फिन निफ्टी में देखने को मिला। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए। नीचे फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उसे जरूर क्लिक कीजिए। वहाँ पर भी हम ढेर सारी नॉलेज दे रहे हैं, और उसके साथ साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, वहाँ से अपना डीमैट अकाउंट खोलिए। तो देखिए, रुपये में पूरी बात फंसी हुई है। यहाँ पे बार बार शॉर्ट पड़ रहे हैं और नीचे की ओर गिर रही है। देखिए कितनी लंबी शैडो बनी है। कल मैंने ये दिया भी था कि ये आप SL रखना, और ये मैंने सारा लिख दिया है कि आपको ठीक तरह से पता चल सके। तो मैं ये कहानी सारी बता देता हूँ आपको कि कई बार होता है कि हमारी वीडियो आगे पीछे आ जाती है। तो 82.55 के ऊपर आपने बाय करना है और प्रॉफिट बुक करना है 82.90 पे, और नीचे की ओर यहाँ पे फिर से सेल भी करना है 82.90 पे, और वापस यहाँ पे फिर 82.55 पे प्रॉफिट बुक करना है। ये ऊपर की कहानी मैंने पहले ही आपको सुना दी है। अब नीचे आते हैं, यहाँ ये रखो SL, यहाँ क्योंकि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। यही कारण है कि मैं बार बार यहाँ पे कह रहा हूँ कि सेल करो, और मुझे लगता है कि ये नीचे की ओर 82.03 81.90 तक रुपया गिरना चाहिए टेक्निकली। वो बात अलग है कि हम टेक्निकली गलत हो जाएं, क्योंकि डॉलर इंडेक्स लगातार 102 के ऊपर चल रहा है, और इस टाइम तो 102.70 पर आ चुका है, और 103 आ गया तो फिर ये और कमजोर हो जाएगा। तो यही कारण है कि ये धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, पर ऊपर के लेवल पे शॉर्ट भी काफी पड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ये देखिए, यही कारण है, ये देखिए बार बार यहाँ पे सेलिंग आती है। हमारा काम है चार्ट को चेक करना, तो चार्ट हमें ये कहता है कि यहाँ पे सेल करना चाहिए। वो बात अलग है कि रुपये की कमजोरी की वजह से, डॉलर की कमजोरी, डॉलर की मजबूती की वजह से रुपया हल्का हल्का ऊपर जा रहा हो, तो हमें सेल साइड बनने में ही एक सही ट्रेड मिल सकती है, और अगर हम बाय साइड हो जाए यहाँ पे तो हमें नुकसान हो सकता है। तो यही कारण है कि बार बार मैं इस एरिया में सेल दे रहा हूँ। और नीचे की ओर आपको बता दिया क्या सेटअप, ये सारा मैंने आपके सामने लिख दिया है। ये देखिए लेवल सारे सब कुछ लिखा पड़ा है। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं स्टॉक्स पर। देखिए चोला फाइनेंस जब से 9992 पे है, 992 के ऊपर, तो ये बुलिश पैटर्न में है, ये पीनट फ्लैग बना रहा है। ऊपर 1100 इसका रेजिस्टेंस है। दूसरा जो स्टॉक है वो है HAL। HAL भी ब्रेकआउट देने की तैयारी कर रहा है, तो मैंने ये एडवांस में आपको दे दिया है कि अगर आज का जो हाई है इसका 3170, अगर कल 3170 के ऊपर निकल गया तो आपको 3629 ऊपर रेजिस्टेंस भी मिल सकता है। और ग्लेन मार्क फिर से, ये मेरा फेवरेट है ग्लेन मार्क एक्चुअली, तो 603 के ऊपर ये फिर से फ्लैग बना रहा है, और यहाँ ये जो फ्लैग बन रहा है ये इसके लिए अच्छा है, बुलिश पैटर्न तैयार कर रहा है। और ऊपर 624, 641, 657, 671 इसके ऊपर के रेजिस्टेंस है। और एक जरूर मैं दे देता हूँ कि ये मेरे पास भी है ग्लेन ग्लेन मार्क, ये मेरा डिस्क्लोजर है। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं फिन निफ्टी पर कि फिन निफ्टी में हमने क्या करना है। फिन निफ्टी में देखिए 19,233 256 तक अगर कोई डिप आए तो वहां पे बाई करना है। स्टॉप लॉस 19,225 के नीचे 5 5 मिनट की 3 कैंडल क्लोज हो तो वहां से निकल जाना है। और जिनके पास कैपिटल ज्यादा है तो वो 19,150, 150 क्या है, 156 क्या है, ये है 20 EMA, 19,156, 164, तो यहाँ तक अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। जिनके पास कैपिटल कम है वो 19,225 के नीचे ही निकल जाएं। ऊपर की ओर टारगेट 19,300, 322 और 344, 364, 374, 2, ये आपके टारगेट रहेंगे।
और उसके ऊपर और कौन कौन से टारगेट मिल सकते हैं, 90,420, 448, 480 और 510 तक के टारगेट आपको मिल सकते हैं। और 19,510 के पास आपको पुट लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, यहाँ पर पहले भी कई बार प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी है, तो यहाँ लोग काफ़ी ट्रैप्ड हैं। तो यहाँ पे 19,700 की पुट लेनी चाहिए, और जैसे ही 19,510 के ऊपर निकले तो अपना निकल जाना। यहाँ पे जो 20-50 पॉइंट मिले तो वो लेकर निकल जाइए, क्योंकि अगर एक बार रिकवरी हुई तो फिर से हो सकता है कि हम ऊपर के लेवल्स को क्रॉस कर दें। तो ये था फिन निफ्टी का कंप्लीट ट्रेड सेटअप। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है जरूर लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।